रहीम आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफेंशल इक्वेशंस आपको ऑर्डनरी डिफेंशियल इक्वेशन में याद होगा कि आपको बाद का इतना डिफेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती थी एक तो है ना डिफेंशल इक्वेशन को सॉल्व करना बनी बनाई डिफेंशियल इक्वेशन है और उसको आप सॉल्व करते हैं और उसके कुछ मैथड से जिस टाइप की डिफेंशियल इक्वेशन थी उसके मुताबिक आप उसको सॉल्व करते थे और वहाँ भी आपने फॉर्मेशन ऑफ डिफेंशल इक्वेशंस भी की हुई है मिसाल के तौर पे अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ y इज इक्वल टू ए रेज पर एक्स प्लस बी ई रेज पर माइनस एक्स तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है x तो इससे बनने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और आपको अगर याद हो तो क्या करते थे हम ये जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट्स हैं इनको एलिमिनेट करते थे अब इस डिफरेंशियल क्वेश्चन में जो जो ये सोल्यूशन दिया हुआ है जिससे हमने डिफरेंशियल क्वेश्चन बनानी है इसमें दो आर्बिटरी कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं तो जितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते थे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल क्वेश्चन बनती थी तो अगर आप इसे इक्वेशन वन कह लें तो आप क्या करते हैं वाई डैश लेते हैं ए ई रेस पर एक्स माइनस बी ई रेस पर माइनस एक्स इक्वेजन टू फिर वाई डबल डैश लेते हैं ए ई रेस्पर एक्स प्लस बी इ माइनस एक्स इक्वेजन नंबर थ्री अब आपने इन तीनों इक्वेजन से कैपिटल ए बीज को एलिमिनेट करना है तो आपके पास डिफरेंशियल इक्विजन आ जाएगी जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्विजन होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्विजन में जितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स की तादाद होती है उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्विजन बनती है जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्विजन की फॉर्मेशन में यह क्राइटेरिया नहीं है पार्शल डिफरेंशियल इक्वेजन की फॉर्मेशन में डिपेंड करेगा कि आपके पास आर्बिटरी कांस्टेंट्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं जैसा कि यहाँ मैंने एक रिजल्ट लिखा है द नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वी गेट द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी वहाँ तो अगर एक से ज़्यादा आर्बिटरी कॉन्स्टेंस होंगे तो उससे एक फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर की डिफेंश लोकेशन बनेगी लेकिन यहाँ अगर आपके पास पार्शियल डिफेंशियल लोकेशन में आर्बिटरी कॉन्सटेंस की तादाद ज़्यादा भी है तो आप पार्शियल डिफेंश लोकेशन का ऑर्डर आपका इंक्रीज नहीं करेगा अगर इन, जो वो कॉन्स्टेंस uh, की तादाद जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद के बराबर है तो अब इसके लिए अगर आप फर्ज करें एक uh, पार्शल डिफेंशियल इक्वेशन जो हम इम्प्लिसिट फॉर्म में लिख सकते हैं वो अगर हम एक फंक्शन लिखें जिसकी हमने पार्शल डिफेंशियल इक्वेशन लिख बनानी है उस फंक्शन को अगर हम इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखें तो देखते हैं कि उसकी पार्शल डिफेंशियल इक्वेशन जो है कितने ऑर्डर की बनेगी तो एक हम इम्प्लीसिट फंक्शन अब लिखने लगे हैं जिससे पार्शल डिफरेंशियल को इनफॉर्म करनी है एफ ऑफ एक्स वाई जी एज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास एक इम्प्लीसिट फंक्शन है इसमें आप बताएं कांस्टेंट्स कितने हैं दो हैं एक ए और एक बी ये दो कांस्टेंट्स हैं और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं एक्स और वाई और जी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है जी जो है वो दैट इज दैट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल एक्स एंड वाई इसको एक्सप्लीसिट्स फॉर्म में अगर लिखना हो तो फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू समर फंक्शन जी एक्स वाई और अगर ए बी भी आप लिख दें तो हरज नहीं है या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट जी एक्स वाई तो ये एक्सप्र फॉर्म में हो जाएगा ये होगी इसकी इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ द फंक्शन जिसमें क्लियरली z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है x और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और कॉन्सटेंट जो हैं वो दो हैं ए बी अगर हम ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर सामने रखें तो यहाँ चूँकि ऑर्ड्ररी कॉन्स्टेंट्स की तादाद दो है तो उस स्ट्रक्चर को जिन में रखते हुए लगता ये है कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जबकि ऐसा नहीं है रिज़ल्ट जो ऊपर है जिसको अभी हम प्रूव भी करने लगे हैं कि जितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हैं अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी उतने ही हों तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स दो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो ही हैं कौन कौन से एक्स और वाई इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और तो वो देखते हैं कैसे बनती है तो जैसे भी मैं बात कर रहा था कि जहाँ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट की तदाद दो है और लगता यह है कि जिस तरह यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है यहाँ भी शायद सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो अभी हम देखते हैं कैसा नहीं है जहाँ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी क्योंकि ऊपर जो रिजल्ट लिखा हुआ है उसमें अगर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की तदाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद के बराबर हो तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है अगर आपके पास आर्बिटरी कॉन्स्टेंट दो हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो ही हैं तो अगर हम इक्वेशन नंबर वन का डिफेंशन लें इम्प्लिसिट फॉर्म में जब आप लिखा हो तो फिर एक तो डिपेंडेंट वेरीबल लेना ना उसको जैसे अगर आप यहाँ भी तो ये लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम तो अब ये इसमें ज़ाहिर बात है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको ये इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा हुआ एक्सप्लिसिट फॉर्म में फिर आप इस तरह लिखेंगे आप इसको वाई इज इक्ल जी ऑफ एक्स तो बाज़ फंक्शन जो हैं इम्प्लीसिट फॉर्म में लिखे होते हैं और वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते आपको याद है आपने पढ़ा था इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट डिफेंसीशन पढ़ी थी उसमें क्या होता था कि वाई को सेपरेट नहीं किया जा सकता था वाई आपका वो उसके अंदर ही इन्वॉल्व होता था तो फिर वो आप उसी तरह डिफेंसी उसका डायरेक्टर लेते थे अब हम चलते हैं कि इक्वेशन नंबर वन का डिफरेंशियल अगर हम लें तो क्या करना पड़ेगा हमें अगर हम पार्शल डी जो इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो पार्शल एफ और पार्शल एक्स पार्शल एक्स ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई पार्शल वाई ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल जेड और पार्शल जेडवर पार्शल एक्स फिर जो कांस्टेंट्स हैं उनके लिए तो ज़रूरी नहीं होते कांस्टेंट्स हैं ए बी सी तो ये हमारे पास ज़ीरो आ गया ये आ गया जी पार्शल एफ और पार्शल एक्स को हम सिंपली लिख देते हैं एफ एक्स पार्शल एक्स और पार्शल एक्स विल बिकम वन और जैसे मैंने भी बताया आपको कि ये जो चीज़ है ये ए, ये वाई एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो वाई का डायरेट रिस्पेक्ट टू एक्स लिया जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा वाई का डायरेट रिस्पेक्ट टू एक्स वो जीरो हो जाएगा यहाँ आ जाएगा आपके पास पार्शियल एफ़ और पार्शियल वाई को आप क्या लिख सकते हैं ये बल्कि इसको तो लिखेंगे नहीं ज़ीरो हो गया ना ये तो ये तो वैसे ही ज़ीरो हो गया और उसके बाद आप यहाँ आपके पास पार्शियल एफ़ और पार्शियल जेड आ गया जिसे आप एफ़ जेड लिखें और पार्शियल जेड और पार्शियल पार्शल जेड और पार्शल एक्स इज इक्वल टू जीरो जेड पार्शल जेड और पार्शल एक्स ये आपने डिफरेंशियल लिया है रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो पार्शल डेरिवेटिव्स के लिए जो हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं उनमें पार्शल जेड और पार्शल एक्स को पी लिखते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेजन एक बन गई है एफ एक्स पार्शल जेड और पार्शल एक्स जो है उसको पी लिखते हैं और ये एफ एक्स पी एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इज़ इक्वल टू जीरो इक्वन नंबर टू आ गए इक्वन नंबर वन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाइंग द चेन रूल तो सिंपलीफाई किया गया तो ये इक्वेशन आ गई जिसमें ये मैं बताता चलूँ पेज नंबर फोर के ऊपर बुक के पेज नंबर फोर के ऊपर एब्रीवेशंस हैं कि पार्शल जेड ओवर पार्शल एक्स पी के इक्वल हम रखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर वन का ही दोबारा डायरूट ने विस्पेक्ट बाई यूजिंग चेन रूल टेकिंग पार्शल डरेवेटिव ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वाई वई है जी जब आप दोबारा इसका विद्पेक्ट टू वाई तो अब आएगा यहाँ पर पार्शल एफ ओवर पार्शल यानी हमने फिर टोटल डिफेंशन लेना है एफ़ का विद रिस्पेक्ट टू वाई तो वो हमारे पास बन जाएगा पार्शल एफ़ ओवर पार्शल एक्स इंटू पार्शल एक्स ओवर पार्शल वाई पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई इन्टू पार्शल वाई ओवर पार्शल वाई फिर पार्शल एफ ओवर पार्शल जेड इन्टू पार्शल जेड ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो वही सिचुएशन है कि एक्स और वाई चुके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इसका तो डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा तो रह जाएगा आपके पास ज़ीरो और ये पार्शल एफ़ और पार्शल वाई इसे आप एफ़ वाई लिख दें पार्शल वाई और पार्शल वाई वन हो जाता है और ये पार्शल एफ़ और पार्शल जेड ज़ जो ज़। है ये एफ जेड और ये आपके पास जो है पार्शल जेड ज़िक और पार्शल वाई इसको हम क्यू लिखा करते हैं यानी पार्शल जेड और पार्शल वाई को स्मॉल क्यू लिखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है एफ़ वाई प्लस क्यू एफ जेड इज इक्वल टू जीरोजन नंबर बनती है थ्री ठीक है जी तो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स और विद रिस्पेक्ट टू तो वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स डेरिवेटिव लेने के बाद ये वाली फॉर्म बनी है इक्वेशन टू और विद रिस्पेक्ट टू तो वाई डेरिवेटिव लेने के बाद ये वाली फॉर्म बनी है इक्वेशन अब जरा देखें कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये जो जहाँ से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं इसमें कांस्टेंट्स मौजूद हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप बना रहे हैं तो इसमें कांस्टेंट्स मौजूद हैं जब आप इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे तो उनमें भी कांस्टेंट्स होंगे जैसा कि आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ऑर्नेट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने बनाई थी जिसकी बनाने लगे थे वाई इजल टू ए इस पर एक्स प्लस बी ई इस माइनस एक्स तो हमने देखा कि जब हमने इसके डेरिवेटिव्स लिए हैं तो कांस्टेंट्स मौजूद हैं ये मुमकिन हो सकता है कि अगर कोई कांस्टेंट अकेला ही पड़ा हुआ है तो वो एक डेरिवेटिव लेने से ख़त्म भी हो जाए लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कांस्टेंट्स रहेंगे उनको हमें एलिमिनेट करना होगा ख़ुद जैसा मैंने अभी बताया कि इस सोलूशन में जो जिससे हम डिफेंसिव रहे हैं इसमें कॉन्सटेंट्स मौजूद हैं इसका जो फर्स्ट जेरेटिव आया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन नंबर टू इसमें भी कॉन्स्टेंट्स मौजूद होंगे और फिर इसके बाद जब हमने इसका फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई दिया है इसमें भी इक्वेशन नंबर थ्री में इसमें भी कॉन्सटेंट्स होंगे अब हमने ये जो इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री इनमें से इन कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है और जब हम कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर लेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी उस डिफरेंशियल क्विन का ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्विन होगी क्योंकि आपने देख रहे हैं कि हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो लिया ही नहीं है तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल क्विन बनेगी ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल क्विन बनेगी अब ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट अगर हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे तो क्वेश्चन तो सोल्व करते हैं एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट है टू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्र प्लस बी ये एक हमारे पास इक्वन है ये कर्व को रिप्रजेंट करती है इससे पी डी बनानी है हमने पास्ट डिफेंश क्वेश्चन बनानी है अब देखें इसमें ऑर्बिटरी कॉन्सटेंट्स कितने हैं ए और बी दीज आर दू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं वो भी दो हैं एक एक्स और एक बाई तो इस से हमें पता चल गया कि जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी चूँकि आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स भी टू हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी टू हैं तो सबसे पहला हम काम ये करते हैं कि इसका पार्शल डायरेविटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे टेकिंग पार्शल डायरेवेटिव ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी बताए क्या होगा टू जेड एक्स ये इसका तो जारी पता टू तो कांस्टेंट है तो वो जेड एक्स आ जाएगा इधर आपने जब डायरेवेटिव लेना है तो टू नीचे उतराना है एक्स प्लस वाई और फिर एक हमें डायरेक्टर लेना पड़ेगा पाशर किस के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट किसका का एक्स प्लस वाई का और जहरी बात है ये सबको पता है कि कांस्टेंट बी का डायरेक्टर ज़ीरो हो जाएगा ये चेन रूल समझ आई ना एक्स प्लस वाई स्क्वेयर का डायरेक्टर लेंगे तो टू नीचे उतर आएगा ए एक्स प्लस वाई की पावर टू में से एक कम कर देंगे और एक्स प्लस वाई का डायरेक्टर ले लेंगे पार्शल एक्स ये बन जाएगा टू जेड एक्स इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस वाई और इसका डरेटव क्या आता है ए आता है तो हमारे पास बन गया ये टू टू से कैंसिल नहीं हो गया जेड एक्स किसके बराबर आ गया ए इंटू एक्स प्लस वाई इसे हम एक कोई नंबर टू कह लेते हैं इक्वेशन नंबर वन जो थी इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये फॉर्म बन गया सिमिलरली इक्वेशन नंबर वन का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई लें टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वाई वी हैव जब आप रिस्पेक्ट वाई इसका डर लेंगे तो टू जेड वाई और इधर इसका क्या आएगा वही टू बायर आ गया ए एक्स प्लस वाई और टू माइनस वन वन और फिर पार्शल ओवर पार्शल वाई लेना पड़ेगा किसका ए एक्स प्लस वाई का और ऑब्वियसली बी का डेल्टा रिस्पेक्ट टू जीरो रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से फिर क्या बना टू जेड वाई और ये टू इंटू एक्स प्लस वाई और ये जरा बात देखें कि ए एक्स प्लस वाई का टू वाई डर लेंथ तो वन आएगा ना तो अब ये टू कैंसिल हुआ तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास z वाई किसके बराबर आ गया एक्स प्लस वाई की हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कियन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री में से आर्बिटरी कॉन्सटेंट्स को एलिमिनेट किया जाए वन को तो इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है वन में तो एक आर्बिटरी कॉन्सटेंट बी पड़ा हुआ है जो यहाँ पे आके वैसे ही एलिमिनेट हो गया तो हमें हमारा जो काम है इक्वेशन नंबर टू और थ्री से चल जाएगा बड़ी आसानी से चल सकता है कि अगर आप एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर थ्री से उठा के टू में पुट करें तो आर्बिटरी कांस्टेंट बल्कि मसला और भी है मसला एक और भी है कि अगर आप एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये वाली उठा के या पुट कर भी देंगे फिर भी ए रह जाएगा तो वो पुट की जा सकती है फिर पहले आप अगर ये इसमें पुट इसमें अगर आप इसमें पुट कर देते हैं तो फिर सिर्फ़ ए रह जाएगा और ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे ए की वैल्यू भी निकाल के फिर इन इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं तो वो क्या आएगी हमारे पास यहां पे जरा देखें इस वैल्यू को यहां पे पुट करें यूजिंग थ्री इन टू तो आती है जेड एक्स इज इक्वल टू ए जेड वाई अब आप कह रहे हैं कि यहां से ए की वैल्यू निकालें हम तो पुट कहाँ करेंगे तो यहाँ से कांस्टेंट ए की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है जेड एक्स ओवर जेड वाई इसको फिर ऑब्वियसली हम किसी इक्वेजन में पुट करें इक्वन नंबर थ्री में तो इसको जब हम इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करते हैं तो एलिमिनेट हो जाएगा ंग दिस वैल्यू ऑफ ए इन थ्री तो आपके पास आ जाएगा जेड वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू है जेड एक्स और जेड वाई एक्स प्लस वाई तो फिर क्या बना अगर हम इसका एल्शियम लें जेड वाई इज इक्वल टू एक्स पहले लिख लें ताकि उसके सबस्क्रिप्ट में न जाए एक्स जेड एक्स प्लस वाई जेड वाई ओवर जेड वाई एल्सीम लेने के बाद यह बन जाएगा जेड वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड एक्स प्लस वाई जेड वाई इस फॉर्म में ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और आपने देखा कि आर्बिटरी कांस्टेंट्स टू थे लेकिन चूंकि वो वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी टू थे इसलिए जो पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी एक क्वेश्चन और देखते हैं तो व्यूअर्स uh, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थैंक यू